हेलो एवरीवन, आज है 22 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, 195 रुपए के से भी ज्यादा प्राइस पर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज 2.5% की बढ़िया रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है और हालांकि आज मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था, लेकिन आईटीसी के शेयर में बढ़िया तेजी हम जरूर देख चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटीसी के शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 196 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो 6% का यहाँ पर हमें ग्रोथ जरूर देखने को मिला है। 207 रुपए तक का हाई है, 185 रुपए तक का लो था, बाद में एक बड़ी रैली आई, 207 रुपए तक पहुंचा, लेकिन पिछले कुछ दिन से शेयर में थोड़ी सी हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद शेयर धीरे धीरे से ही लेकिन ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में आईटीसी के शेयर में 25% की हमें गिरावट देखने को मिली है। आप देखिए, 270 रुपए के लेवल से शेयर कंटिन्यूअस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, अब फिर तेजी की तरफ शेयर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में आईटीसी में 32% की गिरावट है। 319 320 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर चुका था, उतना बड़ा हाई इसने बनाया था, लेकिन पिछले काफी वक्त से यहाँ पर सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। रीजन ये है कि जो इनका मेन सेगमेंट है, जो मेन सेक्टर है जिससे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है, वो है सिगरेट और टोबेको प्रोडक्ट का, और उसके ऊपर काफी ज्यादा टैक्स लगाया जाता है और इसी के चलते इसमें थोड़ी सी हमें गिरावट भी देखने को मिल चुकी है। लेकिन धीरे धीरे आईटीसी की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे आईटीसी ने अपने पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा एक्सपांड किया है, जिसमें से एफएमसीजी एक बड़ा गेम प्लेयर उभर कर सामने आया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें पर्सनल केयर, और कई सारी चीजें हैं जो आईटीसी काफी ज्यादा अग्रेसिवली उसमें काम कर रहा है। होटल बिजनेस भी काफी अच्छा इनका परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अब इनकी जो डिपेंडेंसी है वो हालांकि अभी भी सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट पर है, लेकिन एफएमसीजी धीरे धीरे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लार्ज कैप स्टॉक है, 2,40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो 3,25,00,000 से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। और तो और अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एफआईएल के पास 14.65% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 9.94% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 21.72% की होल्डिंग देखने को मिली है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 42.89% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखेंगे म्यूचुअल फंड की बात करें तो 383 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 914 एफआईएल यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड है, जिनके पास 24.33% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए, बढ़िया इन्होंने इस बार डिविडेंड भी पे किया है। आप देखिए, 1,015% का डिविडेंड, डिविडेंड से माला माल करने वाला यह शेयर है, डिविडेंड से माला माल करने वाला यह शेयर है। एक ऐसा शेयर जो 200 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है और आपको 10 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड पे कर रहा है। आप देखिए, यहां पर 10 रुपए 15 पैसे का एक बहुत बड़ा इन्होंने डिविडेंड पे किया है, और वो भी इसी साल जुलाई महीने में इतना बड़ा डिविडेंड इन्होंने पे किया है। तो काफी बड़ा डिविडेंड इस बार आईटीसी ने पे किया है और वाकई में लोगों को माला माल किया है। आईटीसी की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मेन इनका बिजनेस भले ही टोबेको का है, लेकिन एफएमसीजी, होटल, पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर, पैकेजिंग के साथ साथ एग्री बिजनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी काफी बड़े इनके बिजनेस है। अगर मैं आपको इनके ब्रांड की सेक्शन की तरफ ले चलूं तो आशीर्वाद की कई सारी प्रोडक्ट है, सनफिस्ट की भी, डार्क फैंटेसी के से लेकर मॉम्स मैजिक तक कई सारी प्रोडक्ट है, बिंगो चिप से लेकर कई सारी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ईपी सनफिस्ट भी एक बहुत बड़ा इनका प्रोडक्ट है, बी नेचुरल, जिसको लेकर इन्होंने अभी अभी एमवे के साथ टाइप किया है, और एमवे और ये लोग मिलकर इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जूस तैयार कर रहे हैं और वो इन्होंने लॉन्च भी कर दिए हैं। एमवे की वेबसाइट पर आपको इनकी प्रोडक्ट बी नेचुरल की जो जूस की जो प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी बढ़ाती है वो भी आपको वहां पर मिल जाते हैं। तो बी नेचुरल भी धीरे धीरे काफी तेजी से यहाँ पर ग्रो कर रहा है। उसके साथ साथ कैंडीमैन, गमोन, ये भी एक इनके प्रोडक्ट है। फेबेट काफी बड़ी प्रोडक्ट है, ये लग्जरी चॉकलेट बनाने वाली। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो अभी के वक्त में डियामा
और सॉरी फियामा की अगर हम बात करें, विवेल की बात करें, एंगेज की बात करें, सुपीरिया की बात करें, उसके साथ साथ आप देखिए इनके एक और नई प्रोडक्ट है हर्बल फ्लोर की जो क्लीनर है, वो भी नीम वॉश, अगेन एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट यहाँ पर सामने आई है, वो भी खास करके कोरोना के पेंडेमिक की सिचुएशन में, कि जहां पर लोग इस सारी वेजिटेबल एंड फ्रूट वॉश का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि डिसइनफेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा चीजें ये इस्तेमाल होती है। सेवलॉन की अगर हम बात करें तो सेवलॉन ने काफी ज्यादा चीजें अभी इंट्रोड्यूस करी है मार्केट में। पहले सेवलॉन एंटीसेप्टिक लिक्विड था, सेवलॉन सोप था, सेवलॉन हैंड वॉश था, लेकिन अभी और भी कई सारी चीजें हैं। सेवलॉन का हैंड सैनिटाइजर भी है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सेवलॉन के जो क्या कहते हैं डिसइनफेक्ट स्प्रे भी अभी लॉन्च किया है इन्होंने, जो अभी तक इन्होंने वेबसाइट पे पुट भी नहीं किया है, लेकिन डिसइनफेक्ट स्प्रे भी लॉन्च हुआ, जिसकी एड्स भी आप टीवी चैनलों पर देख रहे होंगे। उसके साथ कई सारी चीजें हैं, क्लासमेट की नोटबुक से लेकर पेन अभी भी काफी ज्यादा कंज्यूम की जाती है, हर स्टेशनरी में आपको इनकी क्लासमेट की और पेपर क्राफ्ट की नोटबुक्स और पेंस वगैरह मिल जाएगी। उसके साथ साथ मंगलदीप अगरबत्तियां धूप भी काफी बड़ी फेमस प्रोडक्ट है। तो अगर ओवरऑल मैं देखूँ तो ये सारी चीजें हैं जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो आपके घर में भी आपको मिल जाएगी। तो काफी अच्छा इन्होंने अपना पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाया हुआ है। आईटीसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल है, पी 15.89 है, इंडस्ट्री पी 15.63 है, बुक वैल्यू 52 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.76 है, ईपीएस 12.31 है, डिलीवरी तकरीबन 51 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 8% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 92% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और जिन्होंने खरीदा है मतलब पॉजिटिव है, उनका कहना है कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 8% लोग मुनाफा वसूली करने की बात जरूर कर रहे हैं। आईटीसी के बारे में अगर हम बात करें, देखिए टेकिंग ताज ग्रुप ओबेरॉय होटल्स लॉन्च ओन फूड फूड डिलीवरी ऐप, उसके साथ आईटीसी ने काफी लोगों के साथ टाइप भी किया था, स्विगी के साथ भी टाइप किया था अपने सामान को डिलीवर करने के लिए, और भी कई सारी चीजें थी जो इन्होंने की हुई थी उस वक्त पेंडेमिक के सिचुएशन में, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म भी किया हुआ था। हर क्वार्टर में एक बड़ा मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं, आप खुद देखिए तकरीबन 3,926 करोड़ का मुनाफा इन्होंने मार्च क्वार्टर में कमाया है, दिसंबर क्वार्टर में 4,050 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर में 4,175 करोड़ का प्रॉफिट, जून में 3,436 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च में 3,590 करोड़ का प्रॉफिट। तो हर क्वार्टर में एक बड़ा मुनाफा इन लोगों ने जरूर कमाया हुआ है। और तो और अगर मैं आपको इनके शेयर होल्डिंग की बात करूं तो जून की शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुकी है, और वहां पर आप देख सकते हैं कि एफआईएल्स ने अपनी होल्डिंग में थोड़ी सी गिरावट की है, जो पिछले क्वार्टर में 14.63% थी, आज वो 14.58% देखने को मिली है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी एफआईएल्स के पास है। इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं पर है, 21.70% की होल्डिंग, 21.66% देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड भी जहां थे वहीं ऑलमोस्ट 9.92 या फिर 9.48% की जो होल्डिंग थी वो अभी भी 9.44% के आसपास है, मतलब ज्यादा कोई चेंज इन्होंने नहीं किया है, बड़े बड़े फंड हाउसेस ने खरीदारी की है तो उसको मेंटेन भी रखा हुआ है। ओवरऑल आईटीसी की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस काफी बढ़िया है, भरोसेमंद शेयर है ये, एक चीज गारंटी है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि काफी सारे बिजनेस है इनके और हर बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा भी ये लोग कमा रहे हैं। ओवरऑल मैं इतना कहूंगा कि आईटीसी में अगर आपने खरीदारी की है तो आप बने रह सकते हो, फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो जरूर कर सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप कम से कम आपका नजरिया यहाँ पर 8 या 9 महीने के निवेश का होना चाहिए, और तो और एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 क्वांटिटी खरीदो, फिर वेट करो, अगर शेयर थोड़ा नीचे जाता है तो थोड़ी और 20 क्वांटिटी खरीद लो, फिर वेट करो, अगर थोड़ा और नीचे जाए तो और 20-25 की क्वांटिटी आप चाहे तो खरीद सकते हो। तो इस तरीके से अपना प्लान बनाए, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदे, थोड़ा सा मार्केट अनस्टेबल जरूर है लेकिन आईटीसी आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जरूर कमा के देगा। शॉर्ट टर्म में ये शेयर आपको 210 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, और एक बार अगर 200 रुपए का लेवल ये तोड़ता है तो
जरूर आपको लंबे टाइम में, आपको लॉन्ग टर्म में 240 250 रुपए तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।